हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया शर्मा। तो यार आज हमारा पहला टारगेट है, ठीक है, जिसमें आपको पहला टारगेट दे रहे हैं। अब यार ये टारगेट आपको बेसिकली 16 to 18 फेब के बीच में कंप्लीट करना है, मतलब 16 से लेकर 18 फरवरी तक 4 दिन का ये टारगेट है। ध्यान से सुनना एंड अपना जी जान लगा देना ये टारगेट कम्प्लीट करने का, ठीक। अब यार टारगेट्स हैं क्या, तो यार मैथ्स का जो तुम्हारा टारगेट है वो है तुम्हारा, तुम्हें मैथ्स में करना है रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 2 दिन में, मतलब सॉरी ये 2 चैप्टर 4 दिन में हमें कंप्लीट करने हैं। तो आपको जो कि मैंने प्रॉमिस करा था कि आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ से करना है, मतलब कौन सा लेक्चर देखना है एंड कितने क्वेश्चन लगाने, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है, वो मटेरियल कैसे एक्सेस करना है वो आपको लास्ट में बताएंगे हम, उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। एंड आपको भी पता है हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, एंड तभी कहीं जाना। अगर ये चैलेंज फॉलो कर रहे हो ना तो प्रॉपर वीडियो देखो, ठीक है, चैलेंज लो कि तुम ये चीज़ कंप्लीट कर रहे होगे। जो भी लेक्चर सजेस्ट कर रहे हैं वो देखो, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं वो प्रैक्टिस करो, जो जो बातें बताई जा रही है उसको नोट करो एंड तुमको 100% इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो यार स्टार्ट करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में हमें कहाँ से करना है रीजनिंग, तो यार 2 लेक्चर हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है, 2 में से आपको जो लेक्चर सही लगे आप वहाँ से कर सकते हो। पहला है हमारा समीर सर का, ठीक है, या तो यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो, या फिर अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तो 2 लोग का है, एक हमारे समीर सर का है, एक निशांत वोरा सर का है, दोनों लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये लगभग 2 घंटे का लेक्चर है दोनों लोग का, तो 2 घंटा इस इनफ, ठीक है, अच्छा है, 2 घंटे में आप ये चैप्टर कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 3 घंटा लग जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में, ठीक है, मतलब एक दिन आपका चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि 16 को आपको रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर देखना है, 17 को उसकी प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है, मटेरियल आपको लास्ट में दिया जाएगा। इसी तरह 17 को आपको प्रैक्टिस करना है स्टैटिस्टिक का, ठीक है, सॉरी लेक्चर देखना है स्टैटिस्टिक्स का, और 18 को उसकी प्रैक्टिस करनी है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी हमने यहाँ पे 2 लेक्चर आपको बताए हैं, एक समीर सर का है जो कि 3 घंटे का है, और एक निशांत फुरर सर का है जो कि 2 घंटे का। तो आपको जो भी देखना है दोनों लेक्चर इनफ है, ठीक है, अपने में काफ़ी है इन लेक्चर्स में, तो आप अच्छे से कोई भी लेक्चर देख सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि जो समीर सर का ऊपर वाला लेक्चर है आप वो प्रेफर करो, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में तो बेटर है, वो आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको बताना चाहेंगे कि जो भी सर ने साथ साथ लेक्चर में क्वेश्चंस कराए हैं, प्लीज़ उनको ना ऐसे मत करो कि ठीक है सर करा देते हैं, उनको थोड़ा पॉज करके खुद से ट्राई करो, एंड इवन जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उनको खुद से दोबारा ट्राई करो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है और मैक्सिमम टाइम तो उसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दी। अब हम आते हैं कि यार हमें फिज़िक्स में क्या करना है। तो फिज़िक्स का जो तुम्हारा टारगेट है ना वो है तुम्हारा वेक्टर, ठीक है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड एरर, ये 2 चैप्टर हमें करने हैं। अगेन आपको पता है कैसे करना है, तो कहाँ से करना है पहले वो डिस्कस करते हैं, किसके लेक्चर्स देखने हैं। तो हमने यहाँ पर लगा रखा है यार, अलग सर ने एक बार 1 शॉट लिया था, ठीक है, काफ़ी पुराना, 3 साल हो गया, बट ये 1 शॉट ना मस्त है वेक्टर, इसमें उन्होंने पूरा अच्छे से डीप में बताया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई है। तो ये 1 शॉट देख लो, आपका वेक्टर हो जाएगा सिर्फ 1 घंटे के अंदर। एंड ये है आप ये वाला भी, ये जो दूसरा हम बात करें यूनिट मेजरमेंट, ठीक है, एंड एरर, ये आप देख लो, ये हमारा 2 घंटे का, इससे आपका जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो यार अभी तक अगर आप सच में चैलेंज फॉलो करने वाले हो तो जल्दी से कमेंट कर दो कि आई एम टेकिंग दिस चैलेंज, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे के चैलेंजेस आपसे मिस ना हो। अब यार बात करते हैं केमिस्ट्री का क्या चैलेंज है। तो केमिस्ट्री में ना आपको जो 3 घंटे वाला स्लॉट है उसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल खत्म करना है, और जो आपका 2 घंटे का स्लॉट है उसमें आपको हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक खत्म करना है 4 दिन के अंदर। अब देखो यार कहाँ से करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, आप बस YouTube पे जाकर सर्च करो पंकज सर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट, यू विल गेट द लेक्चर्स। तो ये हमारे 1 से लेके 5 तक के पूरे लेक्चर आपको करने हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 शॉट से हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है प्रैक्टिस करी तो आपको किसी 1 शॉट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल अपने रिवीजन करके नोट से डायरेक्ट प्रैक्टिस पे जंप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल भूल गए हो तो ये 40 मिनट का वीडियो है, बट ब्रशअप करने के लिए काफ़ी है, पूरा है इसमें कौन से पीरियोडिक टेबल का, अच्छा सा लेक्चर है ये। केमिकल बॉन्डिंग इन्होंने 1 घंटे में रिवाइज कराया, हाँ जी इनफ है, मतलब बेसिक इतनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो 1 घंटे का हाइड्रोजन का लेक्चर है, एस ब्लॉक का ग्रुप 1 40 मिनट्स एंड ग्रुप 2 हमारा 46 मिनट्स। तो क्योंकि ये जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोजन है और एस ब्लॉक है, वो आपको ये लेक्चर देखना है, एंड फिर आप चाहो तो डायरेक्ट PYQs कर सकते हो, क्योंकि सर ने ना सब कुछ कवर कर रखा है, और
टाइम बचे तो एनसीईआरटी भी रीड कर लेना। अब यार फाइनली आते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो हमने आपको टेलीग्राम पे 2019, 2020 और 2021 ये 3 साल के PY की उसकी PDF PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट की आज ही शेयर कर दी है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। अगर दिक्कत हो रही है सर्च करने में तो सिर्फ टेलीग्राम के सर्च बार में जाके सर्च लिख दो मेंटोर शाला, यू विल गेट द ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा यार ये हमने शेयर कर दिया है। अब इसके बाद 2022 के जो PYQs हैं, जैसे कि आपने मान लो रीजनिंग पढ़ ली, ठीक है, रीजनिंग चैप्टर के 2019 से 2021 तक के क्वेश्चन कर लिए, अब जो 2022 में मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो तुम्हें कैसे करने हैं, एज अ टेस्ट देना है, ठीक है। मान लो कि कितना ही क्वेश्चन आया, जितना भी क्वेश्चन आया था उसको आप एज अ टेस्ट दे दो। मान लो कि 20-25 क्वेश्चन आया था, तो एक घंटे में उन 25 क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है, उनको एज अ टेस्ट दे दो, ठीक है। फिर यार जो 2023 का जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम छोड़ देंगे अभी के लिए। जब हम लास्ट में अप्रैल में 7 दिन मॉक टेस्ट के लिए रखें उसमें हम इनको एज अ मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्लान रहने वाला है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया क्या हम फॉलो कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, सब कुछ बता दिया। अब आपको ये 4 दिन के लिए चैलेंज लेना है। कमेंट करो कि हाँ जी आई एम टेकिंग दिस चैलेंज, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैलेंज में पार्ट ले सकें, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड यार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ जो लेक्चर बताती है उसको देख के भी कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस कैसे, खुद से, सेल्फ प्रैक्टिस इज नीडेड। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ दूसरे का वीडियो सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है, देन ओनली इट विल बी वर्थ इट, ओके। तो हाँ यार जाओ, वेट मत करो, अभी आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है, कल का वेट मत करो, आज से स्टार्ट करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।